हेलो सर अंकल, आप ये क्या लेके घूम रहे हैं, मतलब क्या है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? मैं ये चाहता हूँ आप लोग जागरूक हो, ये घोटाले आज से शुरू नहीं है, 1948 से हैं। मैं दो बार इसके पीछे जेल गया हूँ। मैं हूँ हरिशंकर शर्मा, IIT बॉम्बे फर्स्ट बैच ग्रेजुएट 1963, MTech फ्रॉम इम्पीरियल कॉलेज लंदन, रिटायर्ड फ्रॉम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। मैं चाहता हूँ आप लोग जागरूक हो, आने वाले समय का आपको ध्यान नहीं है, धरती गर्म हो रही है, मनुष्य जीवन इस धरती पर सिर्फ 100 साल बचा है, कोई मेरी बात सुनना नहीं चाहता। प्रकृति को 10 लाख साल लगे थे वायुमंडल में CO2 का लेवल 200 PPM करने में, मनुष्य ने 100 साल में 420 कर दिया है, आधा डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है, अमेरिका में साइक्लोन आ रहे हैं, चाइना में बरसात हो रही है, साउथ अफ्रीका में 3 साल से बरसात नहीं हुई है, जो खिलाड़ी साउथ अफ्रीका खेलने गए थे उनको कहा भैया 2 मिनट में बाहर आ जा, टॉयलेट से पानी नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है। हम माफी चाहता हूँ थोड़ा सा अंकल, आप ये सब लिस्ट लेके घूम रहे हैं, जैसे कि इस पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ द नाउ स्कैम, नॉन स्कैम और भी बहुत सारे हैं सर, मेरा भारत महान, घोटालों में भारतीय नागरिक परेशान, स्वतंत्र भारत, उजागर हुए घोटाले की सूची, एंड सर लास्ट क्या है अंकल? ओके, तो अंकल ये इतना सारा इन्फॉर्मेशन आप लेके घूम रहे हैं और आई थिंक आप बहुत सारे बहुत पहले से जुड़े हुए इससे, सो अभी तक मतलब आपका क्या इसके ऊपर व्यू है? जब तक मेरा व्यू ये है, जब तक जवान लोग जागरूक नहीं होंगे, नया भारत क्या है? नया भारत नई जनरेशन है, आप लोग आगे बढ़ोगे देश आगे बढ़ेगा, ये लैंड बिल्डिंग तो नया भारत नहीं हो सकता, हम हर चीज में सबसे पीछे क्यों है, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। कैंसर की 4 स्टेज होती हैं, मेरे देश में 90% लास्ट स्टेज में क्यों डिटेक्ट होते हैं, कोई जवाब नहीं देता। आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उठाओ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास करके BSNL की टावर गिरवाई है ग्वालियर में, तिवारी जी को रेडिएशन से कैंसर हो गया, मैंने पिल लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, उनके पास जाता हूँ टावर वालों के पास, 10 छोटी टावर लगानी है, अरे शर्मा जी 10 टावर, 30 सिक्योरिटी वाले, 30 ऑपरेटर, 10 जनरेटर, सबकी छुट्टी करके 1 टावर लगा दी, आप लोग 1000 गुना रेडिएशन टॉलरेट करने को मजबूर हो, कोई सुनना नहीं चाहता। कैंसर पे लेक्चर दे रहा था और लड़कियां आई मेरे पास, अंकल जी हम आपस में बैठ के बात करती हैं, हमारी उम्र तो है नहीं, हमें महावारी क्यों हो रही है, गांव का रहने वाला उल्टा प्रदेश का, भैंस के लगा रहे हैं ऑक्सीटोसिन, हम इतने बुद्धिमान पैदा हुए इस धरती पे, लौकी में लगा रहे हैं, तोरी में लगा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, कैंसर फैल रहा है, लड़कियाँ मेंस्ट्रुएट कर रही है। बेसिकली अंकल देखा जाए तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, और अंकल आपको यहाँ का कुछ आइडिया है जी किस बारे में किया जा रहा है धरना प्रदर्शन, आपको इसका आइडिया है? मुझे पूरा आइडिया है, मैं रोज अखबार, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने भ्रष्टाचार करके पेपर लीक कर दिए, पैसे लेके जिन्होंने पैसे दिए उनका सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी आप लोग सुबह शाम मेहनत करते हैं, बुद्धिमान भी हैं, लेकिन उनको अब सिलेक्शन नहीं होगा, मैं इसलिए आया हूँ। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच, आप मतलब मैं 80 साल का हूँ भैया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल से रिटायर हुआ 15 साल पहले, अब भी पढ़ा रहा हूँ, उन्हीं कामों में लगा रहता हूँ, आपको कुछ आइडिया नहीं है क्या होने वाला है, सुप्रीम लेक्चर दे के आ रहा हूँ उत्तराखंड त्रासदी पर, LD इंजीनियरिंग कॉलेज मुजफ्फरनगर, 8 लाख लोग उत्तराखंड छोड़ चुके हैं, नेपाली मजदूर उंगली काट के ले गए रिंग के चक्कर में, पैर काट के ले गए गहनों के चक्कर में, 25,000 का तो नामो निशान भी नहीं है, हम इतने बुद्धिमान हैं, पड़ोसी पे ब्लेम डाल दो, कोई नहीं मिला, भगवान, महाप्रलय, पूरा झूठ, हाइड्रो टनल के ठेकेदारों ने कूड़ा वहीं डाल दिया था, नॉर्मल बरसात हुई थी, भागीरथी नदी का लेवल 70 फुट ऊंचा हो गया, आपने वीडियो देखे होंगे, 1-1 मिनट में मकान गिरते, आने वाले समय में उत्तराखंड डीपॉपुलेट होगा, हिमाचल प्रदेश डीपॉपुलेट होगा, लाखों लाख आपके रिश्तेदार बांग्लादेश से आएंगे, उनका एरिया डूब जाएगा, चाइना उनको घुसने नहीं देगा, मैं हंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मालदीप आइलैंड के 8 टापू डूब चुके हैं, 3 लाख लोगों ने माइग्रेशन को अप्लाई कर दिया है, आप गुड़गांव चलिए, 40,000 इलीगल बांग्लादेशी मेड सर्वेंट हैं, नाम रख लिए गीता, सीता, रीता, अनीता, विदे, बिंदी, ये हमारा देश है कि धर्मशाला है, 30% आसाम ऑक्यूपाई कर लिया बांग्लादेशियों ने, आपको जागरूक होना पड़ेगा। अंकल जी युवाओं के लिए कोई संदेश? युवाओं के लिए भैया आप खड़े हो, अपनी बात रखो आगे, आप ही नया भारत हो, बाकी सब नया भारत नहीं है, आपको इस देश को आगे उठाना है।
हम सबसे पीछे हैं हर चीज में। जो ये कहते हैं चाइना से, लक्ष्मी जी चाइना से, गणेश जी चाइना से, होली की पिचकारी चाइना से, दिवाली की लड़ चाइना से, रक्षाबंधन की राखी चाइना से। भैया हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? सरदार जी बैठे थे शर्मा जी, हम खाली बच्चे पैदा करेंगे, बाकी सब चीज चाइना से आएगी, क्योंकि बच्चे पैदा करने वाली इंडियन चलेगी कि वो भी चाइना से आएगी। हम चाइना से रेस दौड़ने से पहले ही हार चुके, उसके टक्कर के हम नहीं है, हम मेक इन इंडिया छोड़के। धन्यवाद अंकल जी, धन्यवाद अंकल जी। सो गाइस, ये थे एक सर, बहुत ही बुजुर्ग हैं, 80 साल की इनकी उम्र है और यहाँ पे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए हुए हैं। आई थिंक हम सबको सलाम करना चाहिए अंकल जी के इस जज्बे को, जो इतनी एज में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ये आज से ही नहीं लड़ रहे हैं, बहुत पहले से लड़ रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं अपने गले में लिस्ट लेके घूम रहे हैं बहुत सारी चीजों की। एंड हैट्स ऑफ यू अंकल, थैंक यू सो मच अंकल, बहुत